हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट किया था, लाइक दिसंबर के वक्त जब मेरे एक कज़न का वेडिंग था, बट मैं उसे उस टाइम अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम इशू। एंड ऑल्सो मैं इसे अभी अपलोड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगी थी। एंड ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो के क्वालिटी में डिफरेंस दिखाई दे, इट्स जस्ट बिकॉज मैंने इसे अपने पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। सो इग्नोर द क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड इन्जॉय द वीडियो। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अप्लाई करूंगी शीट मास्क, जो कि है लेमन लाइम फेयरनेस फेशियल मास्क। ये मास्क मेरे स्किन को हाइड्रेशन एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करेगा। सो मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके 20 मिनट्स तक रखूंगी एंड देन उसे रिमूव करके एंड जो भी रिमेनिंग सीरम है उसे अपने स्किन पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने स्किन पे टोनर स्प्रे कर रही हूँ एंड द टोनर आई एम यूजिंग टुडे इज़ द गुड वाइब्स रोजहिप स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। नेक्स्ट मैं अपने स्किन को और ज़्यादा हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर एंड दी मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग टुडे इज़ दी निविया क्रेम एंड दिस इज़ अ हैवी मॉइस्चराइजर विच इज़ परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल। जितने इंपॉर्टेंटली हम अपने स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमें अपने लिप्स को हाइड्रेट रखना। सो टू हाइड्रेट माई लिप्स आई एम यूजिंग टुडे इज़ दी निविया बेरीसाइन लिप बाम। नेक्स्ट मैं अपने स्किन को एक स्मूथ टेक्स्चर एंड ब्यूटीफुल ग्लो प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करूँगी रोजहिप सीरम विच इज़ फ्रॉम दी ब्रांड गुड वाइब्स एंड मैं इसे अपने ओवरऑल फेस पे अच्छे मसाज कर लूंगी। एंड ऑल्सो मैं अपने स्किन को इतने ज्यादा प्रेप इसलिए कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ये एक लॉन्ग वेयर मेकअप होगा एंड अगर आप एक अच्छे स्किन केयर करते हो देन आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड ऑल्सो जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स है वो आपके स्किन में डायरेक्टली नहीं जाएंगे एंड आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। सो मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है एंड ऑल्सो मैंने अपने फेस को 5 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था ताकि मैं जितने भी स्किन केयर अपने स्किन पे अप्लाई की हूँ सारे अच्छे से मेरे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। सो मेकअप में मैं सबसे पहले अपने ब्राउज को फिल करूंगी एंड उसके लिए मैं यूज़ करूंगी दी सुगर कॉस्मेटिक्स आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर इन दी शेड 02 टॉपीटॉम एंड इससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूंगी एंड इसकी जो स्पूली है उससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से कोम कर लूंगी ताकि प्रोडक्ट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट मैं एक कंसीलर लेके अपने आईब्रोज के एजेस पे अप्लाई करूंगी ताकि मेरे आईब्रोज क्लीन एंड शार्प दिखे। एंड उसे अप्लाई करके मैं उसे वैसे ही छोड़ दूंगी एंड देन मैं एक कलर करेक्टर लूंगी विच इज़ फ्रॉम SQ एंड उसे मैं अपने अंडर आइज पे एंड जहाँ भी मेरे डार्क एरियाज है उस पर अप्लाई करके अच्छे से उसे ब्लेंड आउट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर लेके अपने अंडर आइज एंड अपने आईलेट पे अप्लाई कर लूंगी एज माई आई प्राइमर। इससे मेरे आईलेट अच्छे से प्राइम हो जाएंगे ताकि मेरे आई शेडो अच्छे से उभर के आए। सो मैं इसे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी एंड ऑल्सो मैं अपने जो आईब्रोज के एरिया पे कंसीलर लगाई थी उसे भी ब्लेंड आउट कर लूंगी यूजिंग अ ब्रश। नेक्स्ट कंसीलर को अपने आईलेट पे सेट करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी लूज पाउडर एंड दी लूज पाउडर आई एम यूजिंग टुडे इज दी मेबिलिन फिट मी लूज पाउडर एंड इसे अब मैं अपने आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी एंड ऑल्सो मेरे आईब्रोज को सेट कर लूंगी। अब मैं स्टार्ट करूंगी मेरा आई मेकअप एंड द पैलेट आई एम यूजिंग टुडे इज द सिवाना कलर्स आई पैलेट। सो इस पैलेट से मैं एक ब्राउन शेड डार्क ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी एंड उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी। बाद में सेम पैलेट से ब्लैक शेड को पिक करूंगी एंड उसे अपने आउटर वी पे अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी एंड द ब्रश आई एम यूजिंग इज द फ्लफी ब्रश। इससे ब्लेंडिंग बहुत इजी होता है। उसके बाद मैं यूज़ करूंगी एक बिग फ्लफी आई ब्रश, इससे मैं अपने आई शेडो को और अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी। सो ये आई मेकअप एक हाफ कट क्रीज आई मेकअप है, इसके लिए मैं अपने हाफ आईलेट पे कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी जस्ट टू कट माय क्रीज। सो इसे अप्लाई करके मैं एक ब्रश से फ्लैट आई ब्रश से ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी एक स्मॉल फ्लैट आई ब्रश एंड इससे मैं पिक करूँगी एक गोल्डन शेड एंड वो गोल्डन शेड मैं अपने इनर आईलेट पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है बस उसी प्लेस पे। सो यू कैन सी मैंने ये गोल्डन शेड को बहुत अच्छे से अपने पूरे हाफ आईलेट पे अप्लाई कर लिया है। नाउ अगेन मैं सेम बिगर फ्लफी आई ब्रश लेके पूरे आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि दोनों आई शेडोज अच्छे से मर्ज हो जाए एक दूसरे के साथ। सो यू कैन सी मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है।
अब मैं पिक करूंगी एक ग्लिटर शेड एंड द पैलेट आई एम यूजिंग इज दिस कलर बोर्ड पैलेट फ्रॉम द ब्रांड ब्यूटी ग्लेस एंड इस पैलेट से मैं एक ग्लिटर शेड पिक करूंगी एंड मैं इसे अपने हाफ आईलेट पे अप्लाई करूंगी जहां पे मैंने गोल्डन सिमर शेड अप्लाई किया है. जस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट मैं इसे अप्लाई कर लूंगी जस्ट टू गिव दैट ग्लिटरी इफेक्ट टू माई ओवरऑल आई मेकअप. अब मैं अपने आई शेडो को क्लीन करने के लिए एंड शार्प दिखाने के लिए यूज़ करूँगी द सेम कंसीलर विच इज़ द एलिगल प्रो एच डी कंसीलर एंड इससे मैं अपने आईज़ के साइड में अच्छे से क्लीन कर लूँगी जिससे मेरे आई शेडो शार्प एंड क्लीन दिखे. अब मैं अप्लाई कर लूँगी आई लाइनर एंड दी आई लाइनर आई एम यूजिंग टूडे इज़ दी मेबेलिन न्यूयॉर्क द कॉलोसल बोल्ड आई लाइनर. इससे मैं अपने आईज़ पे एक विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँगी बट मैं ज़्यादा थिक आई लाइनर ड्रॉ नहीं करूँगी जस्ट मैं एक थिन सा आई लाइनर ड्रॉ करूँगी. नेक्स्ट मैं सेम सिवाना पैलेट से ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी एंड उसे एक पेंसिल ब्रश से अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी जस्ट हाफ दी वे एंड उसे अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल विच इज़ फ्रॉम दी ब्रांड फेसेस कैनेडा. इसे मैं जस्ट अपने आईज़ के हाफ वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट मैंने अपने फेक आईलैशेस को अप्लाई कर लिया है ऑफ कैमरा. नाउ मैं अपने रियल आईलैश एंड फेक आईलैश को मर्ज कर लूँगी बाय यूजिंग अ मस्कारा एंड द मस्कारा आई एम यूजिंग टुडे इज द मेबेलिन न्यूयॉर्क द हाइपरकर्ल मस्कारा. इससे मैं अपने आईलैश पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड ऑल्सो मैं इसे अपने लोअर लैश में भी अप्लाई कर लूँगी. सो आई एम डन विथ माई आई मेकअप. अब मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगी अपने फेस मेकअप में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितने भी फॉल आउट्स है उसे अच्छे से रिमूव कर लूँगी यूजिंग अ वेट वाइप्स. सो मैं उसे रिमूव करके अप्लाई करूँगी प्राइमर एंड दी प्राइमर आई एम यूजिंग टुडे इज़ द सुगर कॉस्मेटिक्स पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर एंड इससे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे स्किन के टेक्स्चर स्मूथ हो जाए एंड ऑल्सो जितने भी पोर्स है वो अच्छे से फिल हो जाए. अप्लाई करूंगी फाउंडेशन एंड दी फाउंडेशन आई एम यूजिंग टुडे इज़ दी मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन एंड ये एक रियल टाइम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है. सो इसलिए मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये फाउंडेशन आपके स्किन पे लॉन्ग स्टे करता है एंड ऑल्सो आपको एक फुल कवरेज लुक देता है. इस फाउंडेशन का सेड मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट है सो इसके साथ मैं मिक्स करूंगी दी सुगर कॉस्मेटिक्स एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक. ये मेरे स्किन से थोड़ा सा वार्म टोन है सो मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके एक परफेक्ट शेड बनाऊंगी अपने स्किन के लिए. सो इसे अप्लाई कर लूंगी मैं अपने ओवरऑल फेस में फाउंडेशन एंड इसे मैं पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी यूजिंग अ वेट स्पंज. नेक्स्ट मैं अपने अंडर आइज को कंसील एंड अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूंगी यूजिंग अ कंसीलर एंड द कंसीलर आई एम यूजिंग टुडे इज द मेबेलिन न्यूयॉर्क द एज रिवाइंड कंसीलर. इसे अप्लाई करके मैं इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी. नेक्स्ट मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी यूजिंग अ लूज पाउडर ताकि मेरा ओवरऑल मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो एंड दी लूज पाउडर आई एम यूजिंग इज़ द सेम फिट मी लूज पाउडर. सो इससे मैं एक फ्लफी ब्रश पे लेके अच्छे से अपने फेस पे डस्ट आउट कर लूँगी. नेक्स्ट ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी सेम सुगर कॉस्मेटिक्स के मिनी ब्रॉन्जर एंड इससे मैं अपने फेस को अपने नोज़ को एंड अपने जॉ लाइन को ब्रॉन्ज अप कर लूँगी अच्छे से ताकि मेरे फेस पे एक अच्छा सा शेडो क्रिएट हो जाए जिससे मेरा फेस थोड़ा शार्प दिखे. सो मैं इसे अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर लूँगी. अप्लाई करूंगी ब्लश एंड फॉर दी ब्लश आई एम यूजिंग टुडे इज दी सेम सुगर कॉस्मेटिक्स मिनी ब्लश एंड मैं इसके शेड एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स के शेड नेम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर सकते हो. सो मैं इस ब्लश को एक फ्लफी ब्रश पे पिक करके अपने चिक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी सो दैट ये थोड़े नेचुरल दिखे. जितना भी प्रोडक्ट बचा है ब्रश में मैं उसे अपने नोज पे एंड अपने चिन पे अप्लाई कर लूंगी जस्ट टू गिव दैट नेचुरल ब्लशी इफेक्ट. नेक्स्ट इट्स टाइम टू सेट दी ओवरऑल मेकअप एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सेटिंग स्प्रे एंड दी सेटिंग स्प्रे आई एम यूजिंग इज दिस यूज ब्यूटी सेटिंग स्प्रे. ये एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है. मैं इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करना प्रिफर करती हूँ सो यू कैन ट्राई दिस आउट. मैं इसे अपने ओवरऑल फेस पे अप्लाई करके उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने फेस पे सेट कर लूँगी ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे. हाइलाइटर्स को मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी जैसे कि मेरे चिक बोन टिप ऑफ माई नोज फॉरहेड चिन एरिया एंड ऑल्सो मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड ऑल्सो ऑन दी एजेस ऑफ माई आईब्राउज.
लास्ट स्टेप ऑफ द ओवरऑल मेकअप इज अप्लाइंग अ लिपस्टिक एंड लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं एक लिप लाइनर से अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी जिससे मेरे लिप्स के शेप अच्छे से उभर के आए. सो मैं लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद अप्लाई करूँगी लिपस्टिक एंड द लिपस्टिक आई एम यूजिंग टुडे इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओरिफ्लेम. सो इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा. ऑल्सो मैं इस लिप शेड से पूरा ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, सो मैंने इस पर ऐड किया एक और लिप शेड विच इज़ फ्रॉम दी ब्रांड सिवा कॉस्मेटिक्स विच इज़ अ लिक्विड लिपस्टिक एंड इसका भी शेड नेम एंड इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो. सो इसे अप्लाई करके उसके बाद मैंने अप्लाई किया हाईलाइटर ऑन द सेंटर ऑफ माई लिप्स सो दैट मेरे लिपस्टिक ज़्यादा हाईलाइट होके आए. सो इसे अप्लाई करके मेरा ओवरऑल मेकअप कंप्लीट हुआ एंड दिस इज़ माय ओवरऑल मेकअप. दिस इज़ हाउ द ओवरऑल मेकअप हैज़ टर्नड आउट एंड इसे क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है. सो आप भी एक वेडिंग के लिए ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने आउटफिट के हिसाब से. सो लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय बाय.